हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर एस के गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। टुडे आई विल डिस्कस रिगार्डिंग दी बायोजियोकेमिकल साइकल्स। बायोजियोकेमिकल साइकल्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। इट इज द मोर और लेस सर्कुलर पाथ which brings about the circulation of mineral elements from environment to organism and back to the environment. Means इसका मतलब यह है कि एक साइकिल है जो जहाँ से स्टार्ट होता है वो वहीं पर आकर के एंड होता है, सर्कुलर पाथ। दूसरा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, why they are called biogeochemical cycle. Biogeochemical cycles उनको क्यों कहते हैं, इसका जो क्या कारण है। वी कैन से एज ईच साइकिल हैज बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल एस्पेक्ट्स, सो दे आर कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो ज्वाइंटली बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड द केमिस्ट्री, इन तीनों को मिला करके बायोजियोकेमिकल वर्ड हो जाता है, इसलिए इनको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द सिक्स मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर आर एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये छः के छः जो एलिमेंट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग बींग्स और दे मे एग्जिस्ट बहुत लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में बने रहते हैं, लैंड पर भी, वाटर में भी और अंडर द अर्थ, बीनीथ अर्थ सरफेस वी कैन से। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होता है कि ये इन्वायरमेंट से इनका सर्कुलेशन कैसे होता है। से फॉर एग्जांपल, जियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होते हैं सच एज वेदरिंग, इरोजन, वाटर ड्रेनेज एंड द सबडक्शन ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ये सारे के सारे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द साइकिलिंग ऑफ द एलिमेंट्स। तो सबडक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बारे में आपने सुना होगा, जो अर्थ में प्लेट्स होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जिनके मूवमेंट से बहुत हॉट गैसेस, एलिमेंट्स रिलीज होते हैं, उन सब के कारण से साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो जो ऊपर मैंने आपको सिक्स एलिमेंट्स बताए हैं, दे आर यूज बाई ऑर्गेनिज्म इन ए वैरायटी ऑफ वेज। से फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर के पानी बनाते हैं एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं, और बोथ ऑफ विच आर एसेंशियल ऑफ द लाइफ। कार्बन इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वेयर एज द नाइट्रोजन इज अनदर इम्पोर्टेंट elements which is the part of the nucleic acids and the proteins. Phosphorus is also used to make the nucleic acids and the phospholipids, or phospholipids जो होते हैं biomembrane बनाने के काम में आते हैं। और lastly the sulfur is critical to the three dimensional shape of the protein. Protein को three dimensional shape देने के काम में आता है। तो इस प्रकार से ये सिक्स के सिक्स एलिमेंट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो होता है, वी कैन से इज द टू टाइप्स। नंबर वन इज गैसियस टाइप, नंबर टू इज द सेडेंटरी टाइप। गैसियस मतलब दे आर रेगुलेटेड बाय द एयर, एयर के द्वारा, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इवन द वाटर वेपर, वाटर साइकिल, ये सारे के सारे गैसियस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट वन इज सेडेंटरी। सेडेंटरी का मतलब फिक्स। इन दिस टाइप द अर्थ क्रस्ट इज द रिजर्वायर। इसमें सल्फर एंड फॉस्फोरस ये दोनों के दोनों साइकिल आते हैं। तो नाउ नेक्स्ट वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर एंड द बायोलॉजिकल एजेंट, या नॉन बायोलॉजिकल एजेंट हो या बायोलॉजिकल एजेंट्स हो, दोनों और अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर आर एसेंशियल फॉर द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो टुडे हियर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द वाटर साइकिल एंड द कार्बन साइकिल। तो
तो वाटर साइकिल को ही हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। और अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करें तो द साइकिल दैट इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में इसको सर्कुलेट करना, इसकी प्रेजेंस को बनाए रखना, दैट इज वाटर साइकिल। और जो इम्पोर्टेंट क्रियाएं हैं जो वाटर साइकिल में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे इवोपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। रन ऑन मीन्स वाटर, जो बारिश का जो पानी होता है उसको रन ऑफ, उसको बह करके वो इकट्ठा हो जाता है वाटर बॉडीज में, जैसे कि रिवर, लेक्स, ओशियंस, उन सब में। तो ये सारे के सारे जो हैं वाटर साइकिल के पार्ट हैं। तो द हाइड्रोस्फीयर इज द एरिया ऑफ अर्थ वेयर द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस। जैसे लिक्विड वाटर होता है वो सरफेस में रहता है, रिवर, लेक्स एंड ओशियंस में। बीनीथ द सरफेस ग्राउंड वाटर होता है, बर्फ के रूप में रहता है, पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, एंड एज वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। तो अपन अगर इसकी परसेंटेज की बात करें, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर राउंड अबाउट 60% हमारा जो बॉडी का वेट है दैट इज फॉर्म्ड बाय द वाटर। और जो सेल होती है, सेल में लगभग 70% वाटर होता है। तो ग्राउंड पर जो वाटर अवेलेबल है उसमें 97.5% सेलाइन वाटर होता है, जो किसी यूज में डायरेक्टली नहीं आता है। और रिमेनिंग 2.5% वाटर होता है, उसका भी 99, उसका मैक्सिमम पार्ट ऑफ द 2.5%, दैट इज 99% वो ग्राउंड वाटर होता है और आइस की फॉर्म में होता है। और रिमेनिंग 1% ऑफ 2.5% वो फ्रेश वाटर के रूप में होता है, जो लेक्स में, रिवर्स में मिलता है, जो ऑर्गेनिज्म इसको काम में लेते हैं। तो दिस इज वेरी लेस वाटर। ये हम उस मनुष्य की पूर्ति, लिविंग बींग्स की जो होती है, पूरी नहीं करता है। उसके लिए ह्यूमन्स बींग ने काफ़ी कुछ टेक्निक्स पानी को बढ़ाने के लिए किए हैं या प्राप्त करने के लिए किए हैं, जैसे डिगिंग वेल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको आजकल हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकारें भी काफ़ी महत्व दे रही हैं और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे एनर्जी सेव होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, यूजिंग डिसैलिनेशन अलवणीय है, पानी को डिसैलिनेट करना, जिससे कि वो पीने के योग्य या दूसरे कामों में लेने के योग्य हो जाता है, जो कमी को दूर करता है। अपन वाटर साइकिल की बात करें, मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है, आप इसको देख लीजिए। से फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द वाटर अंडर द सोयल एंड दिस वाटर इज अब्जॉर्ब बाई प्लांट्स बाय दियर रूट्स। और प्लांट्स एक इम्पोर्टेंट क्रिया करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, उसके द्वारा इन्वायरमेंट में इसको छोड़ देते हैं। तो ट्रांसपिरेशन आपने सबने पढ़ा होगा, और ट्रांसपिरेशन वी कैन से इट इज द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। तो उससे पानी इन्वायरमेंट में आ जाता है, एटमोसफेयर में आ जाता है, और वहाँ से इन्वायरमेंट से ये क्लाउड्स की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में वापस पृथ्वी पर आता है, अर्थ पर आता है। ये यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है रेन एंड स्नो। तो रेन जो होता है, कुछ रेन का जो कुछ पानी होता है, स्नो का जो कुछ पानी होता है, वो अंडरग्राउंड चला जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है अर्थ के द्वारा, और कुछ पानी वाटर बॉडीज में इकट्ठा हो जाता है। वाटर बॉडीज मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे रिवर, लेक्स, ओशियंस होते हैं, और वहाँ से ये पानी इवोपोरेशन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा वापस इन्वायरमेंट में चला जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लांट्स मैंने आपको बताए थे, प्लांट्स ईटन बाय द एनिमल्स, और एनिमल्स का जो एक्सक्रीशन होता है, यूरिनेशन वगैरह होता है, वो भी वाटर की फॉर्म में होता है, वो सारा का सारा वाटर यहाँ पर अब्जॉर्ब, ये मैंने एरो से दिखाया हुआ है। उसके बाद
प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को दोनों रेस्पिरेशन के द्वारा वाटर वेपर्स इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, और जब इनकी डेथ हो जाती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, तो इनका डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा और अनदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, तो भी वाटर इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट साइकिल मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट जो सेकंड वन है, दैट इज कार्बन साइकिल। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको बता दूं कि कार्बन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ऑर्गेनिज्म बाय मास। जो जीव होते हैं उनके में सेकंड इंपॉर्टेंट बाय मास, मतलब अधिकता में ये पाया जाता है, और कार्बन इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड सम मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑर्गेनिक सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, उनमें भी ये पाया जाता है। तो इट्स रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। कार्बन कंपाउंड्स कंटेन एनर्जी एंड मैनी ऑफ दीज कंपाउंड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एल्गी हैव फॉसिलाइज्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो मिलियन ईयर्स के बाद में जो ब्रीड हो जाते हैं, जमीन में नीचे दब जाते हैं, उनमें डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होने से फ्यूल, जिनको अपन क्या बोलते हैं, फॉसिल्स फ्यूल बन जाता है। तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द यूज ऑफ द फॉसिल्स फ्यूल्स इंक्रीज्ड ड्यू टू द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज, पॉल्यूशन इंक्रीजेड, तो द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड इज एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज इज ए मेजर इशू nowadays to remove the pollution। ये मैंने एक आपको साइकिल के माध्यम से आपको कार्बन, इसका कार्बन साइकिल मैंने बनाया है, ये आप देख सकते हो। मैंने अभी आपको बताया था कि पेट्रोलियम एंड कोल अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद में डिकम्पोजिशन के बाद में बनते हैं, और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक है, उसके द्वारा निकालिए जाते हैं फ्यूल्स के रूप में, पेट्रोल, गैस, कैरोसिन, ये सब, और उसके बाद इनके अंदर क्या होता है, कम्बशन, इनको हम जलाते हैं फ्यूल्स के रूप में या और किसी भी रूप में जलाते हैं, तो दे प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज़ यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिससे ये फूड बनाते हैं, और उससे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं दे आर रिटर्न बाय द एनिमल्स। ये एनिमल्स हो गए, ये प्लांट्स हो गए, तो स्लो केमिकल चेंज इन डेड एनिमल प्लांट्स, इनमें मैंने आपको बताया था अभी जो डेड एनिमल और प्लांट हो जाते हैं उनमें स्लो चेंज होता रहता है, और फिर उनसे पेट्रोल और ये कोल फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। उसके बाद ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल रेस्पायर करते हैं, ग्रीन प्लांट रेस्पायर करते हैं, तो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, ये जो मैंने चित्र में भी दिखाया है। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जाती है। और ये जो मैंने बताया है एनिमल, कुछ ये होते हैं इनऑर्गेनिक कार्बोनेट सेल बन जाते हैं इनसे, और इनके ऊपर जब एसिड रेन होती है देन दे प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रकार से ओशंस के अंदर कार्बोनेट इन वाटर ये एक्सचेंज होता रहता है इन्वायरमेंट के साथ में, और लाइमस्टोन बन जाते हैं, लाइमस्टोन के ऊपर जब एसिड रेन होती है देन दे प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कुछ कभी कभी ओल्केनिक इरप्शंस जो ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरनमेंट में मिलती है। तो इस प्रकार से मैंने ये कंप्लीट आपको कार्बन साइकिल बताया है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल दोनों के दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नाउ थैंक यू वेरी मच।